द किंग ऑफ गेमिंग बग्स एपिसोड नंबर 20 की शुरुआत हम देखते हैं। जिया के मैजिक बॉल से सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन घोस्ट बताता है कि डरो मत, ये एक तरह का शील्ड है, तो आगे बढ़ो, अपना काम करो। घोस्ट की ये बात सुनकर लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, जैसे कि वो दोबारा मिलेंगे नहीं। फिर वो जिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। सुनियो जिया से कहता है, जिया अब हम क्या करें, वो फिर से अटैक करने आ रहे हैं, क्या हमें बाहर निकल कर उनसे लड़ना चाहिए। जिया कहती, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, उनकी संख्या ज्यादा है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। सुनियो कहता है, धिक्कार है, क्या हम अपनी मौत का इंतजार करें जब तक सील खत्म नहीं हो जाता। जिया कहती है, नहीं हमारे पास समय है ये सोचने का कि हम इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। दूसरी तरफ रे परेशान होता है कि उसकी हीलिंग मैजिक योंग के ऊपर काम नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ वो भाला फेंकने वाला व्यक्ति कह रहा होता है, मेरा एक क्लास का स्किल शैडो स्पीयर ये बहुत ही अच्छा है, इससे दिया हुआ घाव को ठीक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरी तरफ जिया को हो रही है चिंता कि योंग का घाव ठीक नहीं हो रहा, और पीछे सुनियो कह रहा होता है कि जियोमी कहाँ है, जियोमी कहाँ है। लेकिन जियोमी तो है दुश्मन के पास, और घोष्ट कहता है, मेरे साथी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसे पकड़ कर इसे मेरे पास लाओ और सभी अटैक करते रहो। लेकिन सुनियो उसे देख कर आता है गुस्सा और कहता है, ये तो हमारे पास थी, लेकिन अचानक वो उनके पास कैसे चली गई, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ घोष्ट के साथ ही उस शील्ड को मार मार कर थक चुके होते हैं और कह रहे होते हैं, ये किस चीज से बना है, अब तो मेरा वेपन भी टूटने वाला है। सुनियो उस बंदे से कहता है, मर जाओगे लेकिन इस शील्ड को तोड़ नहीं पाओगे, ये अंबुजा सीमेंट से बना है। तभी वहाँ दूसरा व्यक्ति आ जाता है और कहता है, हटो मैं इसे तोड़ता हूँ, और सुनियो उसे देख कर कहता है, एक और आ गया पागल जो सोचता है कि ये इसे तोड़ लेगा। वो व्यक्ति अपने फिस्ट को टाइट करता है और शील्ड के ऊपर कर देता है, लेकिन उसको ही उल्टा चोट जाती है, और सुनियो उसे देखकर कहता है, हे पागल तुम्हें समझ नहीं आया क्या मैंने क्या कहा कि ये सील अटूट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, भाग जाओ यहाँ से, अपनी जान प्यारी है तो। और पीछे जिया कहती है, हे सुनियो चुप हो जाओ, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। फिर वो व्यक्ति सुनियो से कहता है, एक बार बाहर तो आओ तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी खोज जियोमी के पास अपना वेपन ले जाता है और कहता है, मुझे बताओ कि सील्ड को हम कैसे तोड़े, तुम्हें तो पता होना चाहिए क्योंकि तुम तो इनके साथी हो, तो हमें बताओ। सुनियो ये सब देख कर कहता है, जियोमी अगर तुम हमें एक टीम मानती हो तो उन्हें मत बताना। जिया कहती है कि सील्ड तो पहले से ही पावरफुल है, लेकिन उसे करने वाला का नियंत्रण अगर सील्ड पर रहता है तो सील्ड और भी पावरफुल हो जाएगा, अगर उनका नियंत्रण हट जाता है सील्ड से तो सील्ड कमजोर हो जाएगा, और एक बार तो टेंशन के अंदर भी सील्ड टूट चुका है। और ये बताते हुए जियोमी अंदर से बहुत खुश हो रही होती है। घोष कहता है, बहुत सही, अटैक करते रहो, और दूसरी तरफ सुनियो कहता है, गद्दार जियोमी। जियोमी मन में सोचती है कि मुझ पर दोष मत दो सुनियो, उस वेपन पर दोष जिसने सबकी आंखें बंद कर ली है, आत्मसमर्पण करना मूर्खता नहीं बुद्धिमानी है, वेपन को दे देने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। दूसरी तरफ सभी सील्ड पर अटैक कर रहे होते हैं और सुनियो कहता है, क्या करे जिया, ये अब सील्ड टूटने वाली है। दूसरी तरफ घोष्ट कहता है, जल्दी करो, देखो सील्ड में दरार आ चुकी है, जो भी उस सील्ड को पहले तोड़ेगा मैं उसे सी क्लास का वेपन दूंगा, जल्दी करो। और सील्ड के अंदर जिया मन में सोच रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जोंग से ये वेपन उधार लिया है, मुझे ये वापस करना होगा, मैं इसे किसी और को नहीं दे सकती, ये सील टूटनी नहीं चाहिए, मुझे वो पावर फिर से चाहिए। इतना कहते ही जिया के सामने डीमन क्वीन रेमल आ जाती है और जिया से कहती है, जिया मुझे तुम्हारे अंदर ढेर सारी पावर महसूस हो रही है। जिया डीमन को देख के हैरान और उसका लेवल भी नहीं दिखाई दे रहा होता। डीमन कहता है जिया से, लगता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, सील टूटने वाली है और तुम्हारे दोस्त मुसीबत में पड़ने वाले हैं, और समय भी कम है, तुम अब क्या करने वाली हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कोई पावर दूं? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी, तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे अंश मेरी आंख को बचा रहे हैं, और तुम उस इंसान के भरोसे को भी बचा रही हो जिसने तुम्हें ये चीज दी। एक समझौता सब बदल जाएगा, समझौते पर हस्ताक्षर करो। जिया कहती है, मैं समझौते पर हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन शर्त क्या है? तभी सीन कट होता है, वो सील्ड को देखते हैं जो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, और सुनियो और रे ये चित्र को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। फिर हम जिया को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती है, उसकी पावर HP हेल्थ सब कुछ सील्ड के अंदर जा रही होती है। तभी सुनियो जिया से कहता है, क्या तुम ठीक हो, और किसी को भी जिया के आसपास लगी चेन नहीं दिखाई दे रही होती। हम देखते हैं जिया की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन वो सील्ड अभी भी खड़ा है। दूसरी तरफ घोष्ट और उसका साथी सील्ड को ठीक होता हुआ देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी सहनशीलता अब खत्म होती जा रही है, हे तुम लड़की बताओ ये क्या हुआ अभी। जियोमी डरते हुए कहती है, मैं कसम खाती हूँ मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने ये पहली बार देखा है। घोर चिल्लाते हुए कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक वो वेपन मेरा नहीं हो जाता। फिर सीन कट होता है, देखते हैं जोंग को चुलिन नान के साथ तेजी से जिया की तरफ बढ़ना होता है, और हम देखते हैं उनके साथ चैंग भी आ रही होती है, और जोंग मन में सोच रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ जिया तुम ठीक होगी तुम। हम देखते हैं शाम आ चुकी होती है, और पता नहीं क्यों अचानक जिया का सील गायब हो जाता है, और हम जिया को देखते हैं जिसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, और घोष्ट कहता है, अब तो तुम्हारी सीट भी जा चुकी है, अब कहाँ जाओगी, लाओ
मुझे मेरा हथियार दे दो।